Hello friends, welcome back. This is Jeet Salal. Thank you for subscribing to my channel and thanks for your love and support. Guys, आज बात करने वाले हैं हम विंटर्स के बारे में और विंटर्स में सर्दियों में कौन से ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जो आपको बिल्कुल बहुत ही ज़रूरी है लेना और खासकर इसलिए क्योंकि सर्दियों में मैं देखता हूँ कि काफ़ी सारे लोग मसल गेन करने की कोशिश ज़्यादा करते हैं और साइज़ गेन करने की कोशिश ज़्यादा करते हैं और उस दौरान उनको कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, जैसे कि बहुत ज़्यादा फैट गेन हो जाती है बॉडी में, जॉइंट इश्यूज होने लगते हैं, इंजरी होती है। तो इस दौरान आपको कुछ सप्लीमेंट्स ज़रूर ऐड करने चाहिए अपनी डाइट में जिसमें ये सब चीज़ों की प्रॉब्लम आपको ना हो। तो आज उसी के बारे में बात करेंगे। और गाइज, बाय द टाइम आप लोग ये वीडियो देखेंगे मैं ऑलरेडी दिल्ली पहुंच चुका हूँगा, क्योंकि आपको पता है कि 15th December से हमारा हिमालयन स्टैलियन एकेडमी का बैच चल रहा है और जो लोग भी इनरोल करा चुके हैं, आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी यू गाइज। और जो लोग इनरोल कराना चाहते हैं वो अभी भी कर सकते हैं क्योंकि हमारी इनरोलमेंट प्रोसेस अभी भी ओपन है। आप सिर्फ एक ईमेल कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल दिया हुआ है और आपकी सारी प्रोसेस टेक केयर हो जाएगी। और राइट गाइज, शुरू करते हैं इस वीडियो को। चलिए, सबसे पहला सप्लीमेंट आता है यहाँ पे CLA, और CLA को मैंने ऑलरेडी बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, पहले आप चेक कर सकते हैं। लेकिन CLA में शॉर्ट में बताऊँ आपको तो कॉन्जोलिक लाइनोलिक एसिड है ये, और बेसिकली ओमेगा 6 फैटी एसिड यानी पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है ये। इसका बेसिक काम ये होता है बॉडी में आपके कि जो आपकी फैट स्टोर हो रही होती है फूड के द्वारा उसको कम कर देता है ये। कैसे करता है? तो जब हम विंटर्स में होते हैं तो हमारी ये ज़्यादा टेंडेंसी हो जाती है कि हम ज़्यादा फूड कंज्यूम करने लगते हैं, फैट भी ज़्यादा कंज्यूम हो जाती है, कार्बोहाइड्रेट भी ज़्यादा कंज्यूम हो जाती है और बॉडी में फैट ज़्यादा स्टोर होने लगती है। अब ऐसी सूरत में जब हम CLA को ऐड करते हैं अपने डाइट में तो वो क्या करता है कि आपकी बॉडी में एक तरह का एंजाइम होता है लिपोप्रोटीन लाइपेज, जिसका काम होता है आपके फैट को जो फूड से आ रहा है उसको तोड़ तोड़ के बॉडी में स्टोर करें। CLA उस एंजाइम को सप्रेस करता है, इनहिबिट करता है, रोकता है उस फैट को तोड़ने से। तो फैट जो फूड से आ रही है अगर वो टूटेगी ही नहीं तो वो उस बॉडी में स्टोर होगी ही नहीं, तो लेस फैट स्टोरेज में आपको ये हेल्प करता है। अब बहुत सारे लोग इस तरह का फूड खाते हैं जिसमें नेचुरली आपको CLA मिलती है लेकिन थोड़ा सा कम अमाउंट में होती है, वो 1 ग्राम से भी बहुत कम होती है। तो इसी वजह से आप अगर सप्लीमेंट करेंगे CLA से तो ये आपको कम फैट करने, होल्ड करने में, स्टोर करने में आपको हेल्प करेगा। तो ये बेनिफिट कर सकता है विंटर में जब आप ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं फूड को। और इसी के साथ साथ CLA एक और काम करता है, आपके मेटाबॉलिक रेट को बूस्ट करता है। अब देखिए, सर्दियों में ज़्यादा फूड कंज्यूम कर रहे हैं, ज़्यादा कैलोरीज बॉडी के अंदर जा रही है, तो आपका मेटाबॉलिक रेट अगर फास्ट रहेगा थोड़ा सा तो आपकी जो एक्सेस कैलोरीज हैं जो आप कंज्यूम कर रहे हैं वो एज अ फैट के रूप में स्टोर ना होते हुए बर्न हो जाएंगी जब आप वर्कआउट करेंगे, जब आप ट्रेनिंग करेंगे या दिन भर में कोई भी काम करेंगे। तो ये बेनिफिट आपको इससे मिल सकता है। CLA की डोसेज के बारे में अगर हम बात करेंगे तो आप पर डे 2 से 3 कैप्सूल्स ऐड कर सकते हैं अपनी डाइट में, ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है अपने पिछले वीडियो में। दूसरा सप्लीमेंट यहाँ पे जो है वो यूजुअली आपको हेल्प करता है इंजरी प्रिवेंशन में। और किस तरह की इंजरीज? जो आपकी जॉइंट से रिलेटेड इंजरीज होती है, बहुत ही ज़रूरी सप्लीमेंट है, मैंने पहले भी इसको बताया है अपने ब्लेड प्रोग्राम में। इसका नाम है ग्लूकोसामाइन, और ग्लूकोसामाइन इतना ज़रूरी केमिकल होता है आपकी बॉडी के लिए, नेचुरली अकर भी होता है आपके जॉइंट्स में, जॉइंट के अराउंड जो फ्लूइड होती है उसके अंदर ये होता है। तो लेकिन अक्सर क्या होता है, सर्दियों के टाइम पे हमारे जॉइंट्स थोड़े से फ्रिक्शन बढ़ जाती है जॉइंट्स में। आप देखेंगे वार्म अप जब आप कर रहे हैं अगर प्रॉपरली नहीं किया है तो जिम में कोई भी लिफ्ट करेंगे जॉइंट में तुरंत पेन आने लगता है, आपके रिस्ट हो, एल्बो हो, नी हो, इवन शोल्डर्स, बैक। तो ग्लूकोसामाइन जब आप ऐड करेंगे तो क्या होता है कि जॉइंट्स के बीच में जो फ्रिक्शन है, जो कम रहती है, मोबिलिटी इंक्रीज होती है और जॉइंट के इश्यूज नहीं होते। तो बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट है ये, आप ऐड कर सकते हैं इसको खासकर विंटर के टाइम पे, जो आपको इंजरी से बचाएगा। ग्लूकोसामाइन की डोसेज के बारे में अगर हम बात करेंगे तो आप 1 से 2 कैप्सूल्स ऐड कर सकते हैं। अगर आप पाउडर फॉर्म में ले रहे हैं तो 2 से 3 ग्राम तक ले सकते हैं ग्लूकोसामाइन को, ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बॉडी में नेचुरली भी प्रेजेंट होता है ग्लूकोसामाइन सल्फेट। तीसरा सप्लीमेंट आता है यहाँ पे ZMA। अब ZMA बेसिकली एक रिकवरी सप्लीमेंट कहा जाता है और ZMA को आप विंटर्स में भी ले सकते हैं, समर्स में भी ले सकते हैं। सेम CLA को और ग्लूकोसामाइन को आप विंटर्स में भी ले सकते हैं, समर्स में भी ले सकते हैं। विंटर्स में अक्सर लोग ज़्यादा मसल बिल्डिंग करने की कोशिश करते हैं, ट्रेनिंग थोड़ी हार्ड हो जाती है और बॉडी पे ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है, प्रेशर पड़ता है ट्रेनिंग का, मसल फटीग ज़्यादा होती है, तो
इस टाइम पे रिकवरी सप्लीमेंट्स को ऐड करने से आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब देखिए ZMA के अंदर क्या होता है, जिंक सबसे पहले प्रेजेंट है, आपके जो जिंक लेवल्स ड्रॉप होते हैं वर्कआउट के दौरान, किसी भी एक्टिविटी के दौरान, स्ट्रेनुअस ट्रेनिंग के दौरान, तो आपको लेवल्स को मेंटेन करता है, रात को सोने में आपको हेल्प करता है। सेम मैग्नीशियम भी आपको यही हेल्प करेगा, रात को बेटर स्लीप, बेटर रिकवरी। जिंक आपको इम्यून सिस्टम और मसल रिकवरी में हेल्प करता है, आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है। और तीसरी चीज़ इसमें होती है विटामिन B6, तो उससे भी आपको एनर्जी है वो आपकी बूस्ट होगी। तो ये ओवरऑल एक तरह का कॉम्पैक्ट सप्लीमेंट है जो आपके रिकवरी में स्पीड अप करेगा प्रोसेस को उसके, तो मसल रिकवरी फास्टर होगी, आपकी ट्रेनिंग अच्छी रहेगी, तो ये सारी चीज़ों में आपको हेल्प करेगा। चौथा सप्लीमेंट आता है यहाँ पे विटामिन डी। अब विटामिन डी विंटर्स में इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेचुरल जो विटामिन डी हमें जो सनलाइट से मिलती है यूजुअली वो थोड़ा सा कम हो जाती है विंटर्स के टाइम पे, कोल्ड जब एनवायरनमेंट होता है उस टाइम पे। तो अगर हम विटामिन डी से सप्लीमेंट करेंगे विंटर्स के टाइम पे, तो न सिर्फ हमको इन सारी चीज़ों से प्रॉब्लम से छुटकारा मिलेगा बल्कि साथ ही साथ हमारी जो बोन स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ेगी, क्योंकि विटामिन डी से सप्लीमेंट करने से आपकी जो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन होती है बॉडी के अंदर वो बढ़ जाती है। और खासकर विंटर्स में जॉइंट इश्यूज, बोन से रिलेटेड इश्यूज भी बहुत सारे होते हैं, तो ये सारी चीज़ें अगर आप ऐड करेंगे तो आपकी न सिर्फ मसल बिल्डिंग के प्रोसेस में आपको ये हेल्प करेगा बल्कि ओवरऑल हेल्थ, मतलब जो एक नॉर्मल इंसान है जिसको विंटर्स में ये सब इश्यूज होते हैं उसको भी ये नहीं होंगे। तो गाइज ये थी सारी इन्फॉर्मेशन सप्लीमेंट्स के बारे में जो आपको विंटर में लेने चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर यू हिट द थम्स अप बटन, एंड गाइज आई विल सी यू सून, टेक केयर, जीत सलाल, बाय बाय। हेलो स्टैलियंस, हाउ यू ऑल। गाइज आप लोगों को एक क्विक इन्फॉर्मेशन देनी है कि जो हमारा फिटनेस न्यूट्रिशन का कोर्स होने वाला है जल्दी ही, बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर रहे हैं कि सर आपने बहुत कुछ क्लियर करा हुआ है ऑलरेडी, यूट्यूब पे वीडियोस बहुत सारे हैं, गूगल पे इन्फॉर्मेशन बहुत सारी है, ये कैसे डिफरेंट होगा आपका। तो गाइज मैं आपको ये बता दूं कि सबसे पहली चीज़ मैं 10 गुना डिटेल में जाऊंगा क्योंकि आप क्लास के अंदर बैठे हैं मेरे साथ, प्लस आप क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, पूछ सकते हैं क्लास के अंदर मुझसे, और टाइम लिमिट कुछ नहीं है, जब तक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तब तक क्लास चलेगी। सेकेंडली जितना भी मेरा एक्सपीरियंस, पास्ट एक्सपीरियंस है एथलीट्स को ट्रेन करते हुए, जो जिनके साथ मैंने ऑलरेडी काम किया हुआ है, मेरे जितने भी क्लाइंट्स रह चुके हैं उनके साथ साथ जितनी भी इन्फॉर्मेशन मुझे मिली एक्सपीरियंस के थ्रू वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, तो थोड़ा बहुत डिफरेंट होने वाली है सारी चीज़ें। प्लस अगर आप लोग इनरोल कराना चाहते हैं दिल्ली और पुणे में तो प्लीज़ ईमेल कीजिए, वहाँ पे बात कीजिए, फ़ोन नंबर पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। बाय बाय।